हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कैसे मैंने अपने पैंट सूट्स को एक डिजाइनर लुक दी है। बेसिकली क्या होता है कि हम डिजाइनर लुक के लिए प्रेफर करते हैं खुद ही मार्केट से परचेज करना फैब्रिक, और उसके साथ ही हम डिजाइनर सूट्स रेडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक भी नहीं करते पैंट सूट्स को, बट क्या होता है कि कई बार हमें कई सूट्स मैरिज वगैरह में हमें गिफ्टेड हो जाते हैं और अच्छे भी लग रहे होते हैं, बट फिर मन करता है चलो बना लेते हैं, किसी ने इतने प्यार से दिया है। तो मुझे भी कोई सूट्स इनमें से गिफ्ट हुए हैं और कुछ मैंने खुद ही परचेज किए हैं, बट फिर भी मैंने उनको थोड़ी सी ना डिजाइनर लुक देने की कोशिश की है। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट दैट स्टफ, कैसे मैंने उनको डिजाइनर लुक दी और क्या मेरा थॉट प्रोसेस था उस डिजाइन के रिगार्डिंग, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रिंटेड ग्रे सूट। इसके नीचे उन्होंने बहुत ही प्यारा ऑर्गेन्जा का फैब्रिक दे रखा था और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। सिर्फ इतना ही सूट का डिज़ाइन था, बाकी सारा प्रिंटेड सूट था। आपको पता ही है कि जो प्रिंटेड सूट्स होते हैं वो 300 के और 500 के नियर अबाउट हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट इसका थोड़ा सा फैब्रिक थिक था और क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, और ये वाला सूट मुझे उन्होंने 3000 और 3500 के बीच में था इसका प्राइस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ही प्राइस था। बट अकॉर्डिंग टू प्राइस इसके ऊपर कुछ भी नहीं उन्होंने दिया हुआ था, तो मैंने कुछ घर पे आकर ना थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग चलाया कि कैसे मैं इसको एक डिज़ाइनर लुक दे सकूँ एटलीस्ट इतने का, जिस प्राइस के अकॉर्डिंगली तो कुछ लगे भी इसका डिज़ाइन। और बट एक बात थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी सूट की, नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी थी। साथ में उन्होंने टैबी का दुपट्टा दे रखा था, नो डाउट दुपट्टा बहुत प्यारा था, बट आपको पता ही कि टैबी के दुपट्टे थोड़े कॉस्टली होते हैं, और नीचे उन्होंने उनकी एम्ब्रॉयडरी दे रखी थी दुपट्टे के बॉर्डर्स के ऊपर, तो उसके अकॉर्डिंगली सूट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट मुझे ना थोड़ा सा लिटिल बिट प्राइजी लग रहा था जब मैं शॉप के ऊपर लिया, बट मुझे कुछ वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये सूट सेलेक्ट कर लिया। मेरे साथ मेरे मम्मा थे तो उनको भी अच्छा लगा, मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, इतना टाइम भी हमने लगा दिया शॉप के ऊपर। बट घर पे आने के बाद ना मुझे था कि मैं कुछ ना डिज़ाइनर लुक दूँ इस सूट को, एटलीस्ट जस्टिफाई करे इसके प्राइस को, सूट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली लगे कुछ ऐसा। तो मैंने इसी प्रोसेस को माइंड में लेते हुए जस्ट मैंने क्या किया कि इसके नेक के ऊपर डिज़ाइनिंग की विद गोटा पत्ती एंड साथ में प्यारे से बटन्स ऐड किए, और एक पिंक जो प्रिंट के अंदर पिंक मजेंटा पिंक कलर है उसको उठाते हुए एक ट्रायंगुलर लेस ली, और उसके साथ मैंने बड़ा प्यारा सा ना रेडी किया नेक। फिर मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं इसके बॉटम के साथ सलवार ना बनाकर, पलाजो ना बनाकर इसको मैं इसके साथ मैं शरारा स्टिच करूं। तो पहले तो मैंने इसका लॉन्ग शर्ट ही कटिंग की, जैसे हम नॉर्मल मेरी लेंथ होती है शर्ट्स की, बट आपको पता है कि शरारा के साथ क्या होता है कि हम शॉर्ट लेंथ पहनते हैं। तो उसके बाद मैंने मेरे माइंड में आया कि चलो मैं इसके साथ शरारा ट्राई करती हूँ, तो फिर से मैंने इसकी लेंथ को कट किया सूट की, फिर मैंने इसके साथ शरारा स्टिच किया, एंड शरारा के नीचे भी मैंने ना ऐड की लेसिस। नो डाउट बहुत मेहनत लगी इस सूट को बनाने के लिए, बट जब मैंने इसको पहना सबने इतना ज़्यादा पसंद किया, मतलब मेरी इनर सोल ना खुश हो गई कि मतलब जस्टिफाई किया इसने प्राइस को भी प्लस मेरे हार्डवर्क को, और सूट ने एक डिज़ाइनर लुक दे दी। अगर किसी को मैंने बोला भी है कि ये वाला सूट मैंने इतना के लिया है, तो वो बोल रहे थे ठीक है, बट जब मैंने बताया कि डिज़ाइन मैंने खुद किया है पीछे से तो ऐसा ही है, तो वो ऐसे देख रहे थे मेरे फेस की तरफ, बट फिर भी उन्होंने बोला कि सूट बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। जो ये थी स्टोरी इस सूट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट एक गिफ्टेड सूट की बात करते हैं। ये एक सूट मुझे गिफ्टेड हुआ था, इसके नीचे ये उन्होंने एम्ब्रॉयडरी दे रखी थी, प्लस उन्होंने नीचे एक ऑर्गेन्जा का अलग से फैब्रिक दे रखा था ब्लैक कलर का, एम्ब्रॉयडरी भी थी और नीचे ब्लैक कलर के हैवी बॉर्डर्स थे, दुपट्टे के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी थी,
वो मुझे ना थोड़ा सा ना मतलब इतना मेरे मन को अच्छा नहीं लग रही थी वो चीज़, और इतना ग्रेसफुल लुक नहीं आ रही थी। मम्मा बोल रहे थे कि गिफ्टेड है, आपको बनाना पड़ेगा, बना लो, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, लेकिन ना कुछ अपना इसके ऊपर ना दिमाग चलाती हूँ। तो मैंने क्या किया, उसके जो नीचे ऑर्गेन्जा का अलग से बॉर्डर था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सूट के ऊपर, तो मैंने उसको कट कर दिया। इवन जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था उसको भी मैंने कट कर दिया, और नीचे से उठाकर मैंने उसको ऊपर ऐड किया, ऊपर और नीचे वाला प्लेन फैब्रिक लगाकर उसके ऊपर ये लेस की डिटेलिंग ऐड कर दी, लेसेस लगाई इसके ऊपर। एक मैंने इसके अंदर इंसर्शन लेस भी लगाई नीचे टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ दिस सूट। तो उसके साथ एक बड़ा ही प्यारा सा डिजाइनर लुक आ गया, जो मेरा पहला सूट था उसके जैसे भी डिजाइनिंग कर सकती थी, बट इसके नेक के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एक फ्लावर दे रखा था, तो मैं इसके नेक के ऊपर ना इतनी डिजाइनिंग नहीं कर पाई। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक सिंपल से मैंने ग्लेस पेपर के साथ पट्टी बनाई और ऊपर मैंने ब्लैक कलर के बटन्स ऐड कर दिए, क्योंकि ब्लैक एम्ब्रॉयडरी थी इसलिए, बस इतना ही किया, दैट्स इट। और मेरा एक बहुत ही डिजाइनर लुक वाला सूट रेडी हो गया। जिन्होंने गिफ्ट किया ये वाला सूट, जब उन्होंने ये वाला सूट देखा तो वो बहुत खुश हुए कि तुमने तो बिल्कुल ही इसकी लुक चेंज कर दी सूट की, एकदम ही डिजाइनर बना दिया इसे। और ये लग ही नहीं रहा कि ये ऐसे आपने डिजाइन किया, ये पीछे से बनकर आया ऐसा लग रहा है ये, बट मैंने इसको डिजाइन किया और बड़ा ही अच्छा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दिए, सबको अच्छा लगा सूट जब मैंने ये वाला डिजाइन किया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सूट। ये एक पाउडर ब्लू शेड का ना शर्ट था, और इसके साथ ना बॉटम आई थी वाइट कलर की। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, टैबी का ही दुपट्टा था, फोर साइड उन्होंने किनारी टाइप कुछ दिया हुआ था, और साथ में कॉर्नर्स के ऊपर, जस्ट कॉर्नर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। और इसका भी प्राइस 3000 के अबव था गाइस, बट मुझे था कि एक जस्ट उन्होंने पैच दिया है, जस्ट एक पैच है, और मतलब इसके साथ नीचे उन्होंने वाइट कलर सलवार का क्लोथ दिया था, बट मुझे ना थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। मेरे पास एक प्लाजो था, जो रिंकल्स प्लाजो होते हैं वैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, तो मेरे पास वो पहले से ही था। मैंने इसका प्लेन फैब्रिक रख लिया कि किसी और पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर लूँगी। प्लाजो है, मैंने इसके साथ इसे कंबाइन किया, और साथ में ये जो नेक डिज़ाइनिंग है इसके ऊपर मैंने अलग से मैंने इसके लेस लगाई, और प्लस जो चौड़ी वाली हैवी बॉर्डर्स वाली लेसिस आती हैं उसको मैंने आर्म्स के ऊपर लगाया और घेरे के ऊपर लगाया, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो ऑनलाइन अच्छे अच्छे वाले ब्रांड्स हैं, ऐसी हैवी बॉर्डर्स वाली लेसिस के साथ काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंग वाले सूट्स दे रहे हैं। तो मैंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ और ये वाला हैवी बॉर्डर्स वाली लेस ऐड की, तो उसके साथ ना एक बहुत ही मतलब प्यारी सी लुक रेडी हो गई इस सूट की। और एक और बात, यही सेम सूट मेरी सिस्टर इन लोगों ने भी परचेज किया था, ऐसे ही सेम सूट उन्होंने ऐसे ही सिंपल एज इट बनाया, बट आप कंपेयर करो दोनों सूट्स को, देखो कि दोनों सूट्स के में कितना डिफरेंस हो रहा है। एक में मैंने जस्ट एक लेसिस ऐड करने से कितनी डिजाइनर लुक आ गई सूट की, तो एक बिल्कुल आपको प्लेन नजर आ रहा होगा एक डिजाइनर लुक के साथ, तो आप कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स यार, डिजाइनर लुक ही सबको अच्छी लगती है, और जो लेसिस वगैरह काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो आप भी अपने सूट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करें। कई बार होता है कि पीछे से जो सूट आते हैं सब में डिजाइनिंग नहीं हो पाती, ये तो बात पक्की है, बट अगर पॉसिबल है उस सूट में अगर आप कुछ डिजाइनर एलिमेंट ऐड कर सकते हो तो आप करें। कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी बहुत अच्छा बना होता है सूट, तो उसमें कुछ हमें एज सच करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगुलर लेस काफ़ी ट्रेंड में, वो लगा लो सूट्स के ऊपर, तो एक अच्छी सी लुक आ जाती है। बस उसके चाक में आगे, आर्म्स के आगे आप ट्रायंगुलर लेस लगा लो गोल्डन की, अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रॉयडरी कौन सा टच दे रखा है उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रायंगुलर लेस यूज़ कर लो, बस उसके साथ ही बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है। बट अगर आप कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हो डिजाइनर लुक देने के लिए, तो आप प्लीज करना, जरूर करना। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी अपने पैक्ड सूट्स को कैसे डिजाइनर लुक आप भी दे सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, कोई आइडिया मिला है, तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप देकर बताना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा आपको सूट मेरा ज्यादा अच्छा लगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे अच्छी लगेगा आपका कमेंट्स रीड करके। सो गाइज, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।